उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे पर सबसे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत 125 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आएगा, जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और लगभग 15 देशों के राजदूतों समेत कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल होंगे। यहां पर पीएम मोदी कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, साथ ही मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे। इस एयरपोर्ट से सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कोलंबो श्रीलंका से आएगी। इसके अलावा पीएम मोदी 478 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसमें 116 करोड़ से तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और 365 की लागत से मेडिकल कॉलेज सहित 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्रों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि यह छठी ऐसी वार्षिक बातचीत है जो 2016 से शुरू हुई थी। इसमें तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक नेता शामिल होते हैं, जो इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों और भारत के साथ सहयोग तथा निवेश की संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी हर जाति वर्ग को साधने में जुटी हुई है। दलित वोटों को साधने की भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर पार्टी की तरफ से खास समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान यूपी में सभी राम और रामायण से जुड़े मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। वो यहां विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। रामनाथ कोविंद का बिहार से गहरा लगाव रहा है। वो जब बिहार के राज्यपाल थे तब एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने उनका समर्थन किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश में पुलिस भर्ती मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि जनहित याचिका कायम कर प्रदेश में समय से पुलिस व सशस्त्र बलों भर्ती में हो रही देरी मामले में सुनवाई करे, क्योंकि भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत को अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए मॉस्को फॉर्मेट में सम्मिलित होने का न्योता मिला है। वो 20 अक्टूबर को होने वाली बातचीत में शामिल होगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अगस्त में तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद यह पहला मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन होगा। अफगान मुद्दों पर रूस 2017 से मॉस्को फॉर्मेट का आयोजन करता रहा है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर 20 अक्टूबर को आएगा फैसला। आर्यन खान को ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर को किला कोर्ट ने उन्हें एक दिन की रिमांड की मंजूरी दी थी। 4 अक्टूबर को सुनवाई में उसकी रिमांड को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया था। 7 अक्टूबर से सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। 20 अक्टूबर को चौथे चरण की बिहार पंचायत चुनाव के तहत 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी कई तरह के निर्देश जारी कर रहा है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों के लिए भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के दिन बिना अनुमति वाले वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।